बच्चों, कक्षा 3 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कहानी दादाजी की सीख। कहानी शुरू करते हैं। किसी शहर में एक लड़का रहता था। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। लोगों को दुखी करना, रास्ते चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारना, न जाने कितनी बुरी आदतें थी उसमें। उसके मम्मी पापा राहुल से बहुत परेशान रहते थे। उसके स्कूल की एक हफ्ते की छुट्टियां होने पर राहुल के मम्मी पापा ने उसे उसके दादाजी के पास गांव भेज दिया। राहुल के स्कूल की छुट्टी आई थी तो उसके मम्मी पापा ने उसे दादाजी के पास भेज दिया। वहां जाते ही राहुल ने फिर अपनी शैतानियाँ शुरू कर दी। रोज़ गांव के लोग उसकी शिकायत लेकर दादाजी के पास पहुंच जाते थे। शहर वाले परेशान दादाजी एक दिन उसे अपने बगीचे में ले गए। वहां जाकर उन्होंने राहुल से एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। राहुल को एक पौधा जो छोटा है उसे जड़ से निकालने के लिए कहा। राहुल ने उसे झट से उखाड़ दिया। उसके बाद दादाजी ने एक और थोड़े बड़े पेड़ को उखाड़ने के लिए कहा। अब की बार दादाजी ने उसे बड़ी झाड़ी के उखाड़ने के लिए कहा। बड़ी झाड़ी मतलब मजबूत पेड़ को जड़ से निकालने के लिए कहा। राहुल ने अपना सारा जोर लगा दिया लेकिन वो झाड़ी थी कि ठस से मस नहीं हुई। हिल नहीं रही थी वो, उसको राहुल तोड़ नहीं पाया। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी इस पेड़ को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तब दादाजी ने कहा, बेटे बिल्कुल ऐसा ही हमारे आदतों के साथ है। इन्हें शुरुआत में निकालना आसान है लेकिन अगर ये अपनी जड़ पकड़ लें तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। दादाजी की इस शिक्षा से राहुल का जीवन बिल्कुल बदल गया। अब वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। उसके इस बदले बर्ताव से सभी उससे अच्छा व्यवहार करने लगे। कहानी का मूल तत्व है, हमें जीवन में सदैव अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए तथा दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शब्द अर्थ, परेशान करना, दुखी करना, तंदरे माड़ुववा, शैतानिया का मतलब है शरारत, चेष्टे, शिकायत, चुगली, चाड़ी, बगीचे, उपवन, वृंदावन, मुश्किल, कठिन, कष्ट, शुरुआत, प्रारंभ, आरंभ, शिक्षा, पढ़ने या पढ़ाने का क्रिया, शिक्षण, व्यवहार, बर्ताव, बदलावने। सही शब्दों को भरकर वाक्य पूरा कीजिए। राहुल रास्ते चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारकर परेशान करता था। बच्चों इस वाक्य को इधर लिखिए, पत्थर मारकर परेशान करता था। विद्यालय की एक हफ्ते की दो महीने की छुट्टियां थी। राहुल को लेकर बगीचे में गए। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। राहुल के मम्मी पापा ने उसे उसके दादाजी के पास भेज दिया। सही
दादाजी राहुल के साथ बाज़ार में गए थे। गलत, दादाजी राहुल के साथ बगीचे में गए थे, बाज़ार नहीं। दादाजी की शिक्षा से राहुल के व्यवहार में परिवर्तन आया, बिल्कुल सही।